मित्रों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि 26 मार्च, 27 मार्च एवं 28 मार्च का दिन मिथुन राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा। आने वाले 3 दिनों में मिथुन राशि वालों के जीवन में क्या-क्या परिवर्तन, क्या-क्या बदलाव होगा। मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आने वाले 3 दिनों में आपका सेहत, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा। मित्रों, आने वाले समय से पहले यदि आप बीमार थे, आने वाले समय से पहले यदि आपके सेहत के मामलों में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या था, तो आने वाले समय में उस परेशानी का अंत आपको करना चाहिए। मित्रों, आने वाले समय में यदि आपके धन संपत्ति, आपके आर्थिक जीवन की बात करें, तो पैसों के दृष्टिकोण से आपका आने वाला समय बहुत ज़्यादा बेहतर एवं शानदार होगा। मित्रों, आने वाले समय से पहले यदि आपने कहीं भी धन संपत्ति का निवेश किया था, तो पहले किए गए निवेश के कारण आपको पैसे कमाने का मौका बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिसके कारण आपके आर्थिक जीवन में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। मित्रों, आप में से जो भी जातक छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो आने वाले समय में आपके पढ़ाई लिखाई, आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपके समय का साथ, आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। मित्रों, आने वाले समय से पहले यदि आपके पढ़ाई लिखाई में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या था, तो आने वाले समय में उस परेशानी का अंत अवश्य होगा एवं आपके शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग एवं भाग्यशाली अंक क्या है। मित्रों, आने वाले समय में आपके लिए भाग्यशाली रंग है केसरिया एवं पीला। आपके लिए भाग्यशाली अंक है 6 यानी कि 6। मित्रों, आने वाले समय में अपने समय को बेहतर एवं शानदार बनाने के लिए एक मंत्र है, उस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। वो मंत्र है ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का जप यदि आप करते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत ज़्यादा बेहतर एवं शानदार होगा। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें एवं इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद।